सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेन द वीडियो। तो भाई आज वाली वीडियो हम लेके चल रहे हैं, जो कि भाई आपने ऊपर थंबनेल देख लिया होगा। तो भाई आज वाले टॉपिक को लेके हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि भाई हमारे ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आ रहे थे भाइयों के कि भाई वीडियो ना बाइक को पॉप कैसे करते हैं या बाइक को व्हीली कैसे लगाते हैं। तो बाइक से व्हीली मारना ना बहुत ईजी है, बट उसके लिए कुछ चीज़ों की ट्रिक की जरूरत पड़ती है। तो भाई सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि करना कुछ भी नहीं है भाई, जो मैं स्टेप बता रहा हूं उनको भाई सिंपल सा फॉलो करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो स्किप कर दोगे तो ना कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। अब वीडियो बंद। तो फाइनली मैं बता दूं कि आज वाली वीडियो में आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा जो स्टेप बता रहा हूं उनको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बाइक का चैन स्पॉकेट जो है ना वो प्रॉपर चेक कर लेना, क्योंकि भाई प्रॉपर जो है ना चैन स्पॉकेट आपका प्रॉपर वर्क करना चाहिए। अगर चैन स्पॉकेट आपका वर्क नहीं करेगा तो आप ये मानकर चलो कि आपकी बाइक है ना पॉप नहीं कर पाएगी। सेकंड नंबर पे हमें क्या होता है, सबसे जरूरी हमारी होती है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट को आप प्रॉपर देख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है या बहुत से लोगों को मैंने बाइक को राइड किया है तो उनका सीन ये होता है कि हमारी बाइक का थ्रोटल हम फुल कर देते हैं, उसके बावजूद हमारी बाइक है ना रन नहीं कर पाती, यानी रनिंग नहीं कर पाती है या फिर भाग नहीं पाती है। तो सिंपल सी मैं बता दूं कि ये चीज़ बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपना बाइक का जो गियर लीवर वगैरह है वो किसी मिस्त्री की दुकान पे जाके आप प्रॉपर चेक करवा लो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग फर्स्ट गियर डालते हैं और गलती से हमारा क्या होता है ना सेकंड गियर शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ना हमारी बाइक की स्पीड थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना हमारा क्रैश हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने जो बाइक का जो हमारा थ्रोटल होता है उस एरिया को। थ्रोटल का एरिया जो है ना आपका ज़्यादा लॉकिंग नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को क्या होता है बहुत टाइट होता है जो रफ नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है हमारी बाइक जब रफ नहीं हो पाती तो उसमें दिक्कत ये होती है हमारी बाइक है ना एकदम से सडनली खड़ी हो जाती है, या फिर कभी कभार हमारा थ्रोटल होना क्लच हम लोग जब रिलीज करते हैं तो उसके बारे में क्या होता है कि बाइक हमारी जो है स्टैंड नहीं कर पाती है, खड़ी नहीं हो पाती है। तो पॉपिंग है ना बाइक का जो स्टैंड है उसमें पॉपिंग बहुत जरूरी है, और जो भी आप स्टैंड नॉर्मल मान के चलो करोगे तो वो आप ये मान के चलो कि आपकी बाइक में पॉपिंग आना बहुत जरूरी। जब तक आप बाइक में पॉपिंग करना नहीं सीखोगे ना तब तक कोई भी स्टंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉपिंग के बिना कोई भी बाइक स्टंट जरूरी नहीं है। तो फाइनली देखो मेरे पास में जो मेरी बाइक है वो है होंडा की 125 सीसी की बाइक है। आप 100 सीसी की बाइक से कर सकते हो, आप बिक्की से कर सकते हो, स्कूटी से कर सकते हो, जो आपकी दिल करे आप उससे कर सकते हो। तो फाइनली थोड़ा सा पास में लेके आते हैं और दिखाते हैं। ये हमारी बाइक है, इसका थोड़ा सा चैन स्पॉकेट मैं आपको प्रॉपर पास से थोड़ा चेक करवा दूं और आगे आके दिखा दो, यहाँ दिखा दो। ये देखो भाई हमारी बाइक का चैन स्पॉकेट वगैरह है ना पूरा देखो रेडी है, उसके दांत वगैरह है ना पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये दांत नहीं होंगे ना तो आप ये मानो बाइक हमारी ना पॉप नहीं कर पाएगी। उसके बाद में मैं दिखाता हूँ आपको जो गियर का बॉक्स है वो देखो, ये हमारा गियर का बॉक्स है जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ये इतना प्रॉपर वर्क कर रहा है। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्लच का एरिया। देखो भाई ये हमारा क्लच का एरिया है जो कि मैं नॉर्मल एक फिंगर से ना चला सकता हूँ आराम से इसको, इतना देखना है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनकी बाइक का ऐसा होता है हम लोगों को ऐसे दबाना पड़ता है, तो वो ना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी आगे की स्टेप में बता देता हूँ आपको। भाई सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो आपके लिए ये है कि आपकी एज ना मिनिमम आप मान के चलो 18 साल तो होनी चाहिए, 18 साल से कम के आप अगर हो तो बाइक स्टंट ना करें, क्योंकि भाई प्रॉब्लम खड़ी होती है ना बहुत सी जगह। ऐसा नहीं है कि यहीं पे प्रॉब्लम है, बाहर कहीं आप जाते हो बाइक की राइड करते हो तो भाई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने पता है कि गवर्नमेंट ने हमारा रूल है ना ये कर दिया है कि 18 साल से कम के भाई है ना ड्राइविंग लाइसेंस जाना अप्लाई नहीं होता है। तो ठीक है, पहले तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ना का कोई सोल्यूशन नहीं है, कहीं भी अगर निकल आती है तो उसमें सोल्यूशन निकाल नहीं सकते इतनी जल्दी आप, उसमें बेफालतू के आपके पैसे लगेंगे कुछ भी होगा। तो उसके बाद में क्या करना है, आप जो भी प्रैक्टिस करते हो वो आप सोच समझ के करना, जहाँ भी करना बहुत सोच समझ के करना। जैसा कि अभी यहाँ ट्रैक दिखा दो पूरा, ये पूरा ट्रैक है इधर की साइड में, और बाकी इधर भी दिखा दो, ये पूरा हमारा एक ग्राउंड है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे छोटी जगह है तो यहाँ पे एक ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग आज आपको ना बाइक को पॉप करना सिखाएंगे, और बहुत इजी ट्रिक है भाई, कोई भी कर सकता है। भाई इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे तो मैं ना थोड़ा परेशान हो गया था कि भाई लोगों को क्यों ना भाई ये चीज़ सिखा दी जाए। बाकी मैं आपको बताऊँ, देखो बाइक जो भी आपके पास है मतलब ज़्यादा हाई बाइक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बाइक से ही पॉपिंग करना, क्योंकि जो पावरफुल बाइक होती है जैसे मान लो 150 cc है या फिर 200 cc 180 cc है, तो इन बाइकों में क्या होता है कि पॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनमें आप बाइक पे बैठोगे क्लच छोड़ोगे ऑटोमेटिक ना पॉप हो जाएगी, ठीक है, इनमें ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बारे में क्या करना है आपको, जो मैंने ग्राउंड भी बता दिया, आपकी एज भी बता दी, अगर इतनी है तो आप मत करना। बाकी सबसे जरूरी हमारा है हेलमेट, जो कि भाई ये दूसरे की सेफ्टी के लिए नहीं, ये है हमारी खुद की सेफ्टी के लिए। और ऐसा नहीं है भाई हेलमेट आप 200 रुपये वाला मत लगा लेना भाई, क्योंकि आपको पता है देखो ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, हमारे घर पे माँ बाप भी हैं, जो लोग शौकीन है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। ये हेलमेट है, स्टार्ट कंपनी का है, बाकी थंडर का इसका वर्जन है और काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, और ये मार्केट में आप नॉर्मल से नॉर्मल आप मानोगे तो लेने जाओगे तो 250 रुपये का पड़ेगा। बट अप्रोक्स में ये मैंने एक लोकेशन थी दुकान की जो इससे पहले मैंने हेलमेट का डाला था तो वहाँ से मैंने लिया था, तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, और अगर आप लोग भी लेने जाओगे तो आपको भी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो प्रॉपर है ना हेलमेट का यूज़ कीजिए। बाकी अब बताते हैं बाइक पर बैठ के पॉपिंग का पूरा जो नियम है वो बताते हैं। भाई अपनी गाड़ी को आपको लेना है फर्स्ट गियर में, ठीक है, बाइक को स्टार्ट करेंगे सडनली क्लच को प्रेस करेंगे, ठीक है, उसके बाद में गाड़ी को लेंगे हम लोग फर्स्ट गियर में। गाड़ी हमारी जब फर्स्ट गियर में जाएगी तो हमारा सीन ये रहेगा कि हमारा जो थ्रोटल होगा
वो कुछ इस टाइप से हल्का हल्का रफ होगा, ठीक है, ऐसा करके रफ होगा ताकि आपके जमीन के दोनों पैर, इस साइड भी दिखा दो, इधर भी दिखा दो एक बार, मेरा ये वाला पैर और ये वाले पैर, मतलब दोनों पैर जो है ना जमीन पर रहेंगे। और बाइक को आपको ऐसा नहीं है पीछे वाले हिस्से पे बैठना है, बाइक को आपको यहाँ पे बैठना है, ठीक है। और प्रॉपर अगर पैर आपके वर्क कर रहे हैं तभी ये करना, ऐसा नहीं है कि बाइक पर पैर नहीं आ रहे, यहाँ पैर आ रहे हैं, एक पैर लगा लिया बाइक क्रैश हो जाएगी, आपके चोट लग जाएगी, ठीक है। और जब गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में होगी तो हमें क्लच में डालने के बाद में जब हम पहला गियर डालेंगे ना, तो आप ये मानो थोड़ा सा ना बाइक है वो थोड़ा सा एक बार हल्का सा ऑटोमेटिक हिलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हिल जाने देना। उसके बाद में क्या है, गाड़ी को जब आप पहले गियर में डालोगे, थ्रोटल लोगे, और उसके बाद में जैसे ही आप क्लच को यहाँ से छोड़ोगे, ठीक है, क्लच का पूरा प्रोसेस मैंने पहले आपको बताया था, जितनी वीडियो में बता चुका हूँ क्लच का, पहला ही जितना मैंने आपको नियम बताया था हर वीडियो में मैंने बोला था कि आपको क्लच को है ना ऐसे पकड़ना है, यहाँ देखो ये इस टाइप से पकड़ोगे, जब आप एक फिंगर से प्रॉपर वर्क करोगे तो आपका क्लच का एरिया है ना बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ऐसा नहीं है चार पकड़ लो तो मैंने आपको बताया ना क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो ये तो होगी यहाँ की नियम, अब बाकी आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के क्लच को रिलीज करेंगे, सडनली क्या होगा, हमारी जो थ्रोटल है ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा, आरपीएम इसका बढ़ेगा, ठीक है। आरपीएम जैसे ही बढ़ाएंगे हम लोग और क्लच को छोड़ेंगे, सडनली जैसे ही क्लच हमारी छूटेगी यहाँ से, वैसे हमें हल्का सा हैंडल को ऊपर की ओर खींचना है, ऐसा करके यहाँ खींचना है। आप जैसे ऊपर को खींचोगे बाइक हमारी ना ऑटोमेटिक ऊपर की साइड में पॉप हो जाएगी, तो एक बार ना मैं करके दिखाता हूँ। देखो इतना जब आप करोगे तो सिंपल से क्या है, आप एक हल्का सा ना जब आपकी बाइक गिरती है उस टाइम पे आप चाहो तो एक फिंगर से ना अपने आगे वाले ब्रेक को भी प्रेस कर सकते हो, जैसे इस टाइप से, ठीक है, ऐसे करके पकड़ लोगे तो उसमें क्या होगा, बाइक आपकी गिरेगी, आप सडनली आगे वाला ब्रेक लगा लोगे, थोड़ी दूरी पर नहीं जाएगी, ठीक है, इतना बहुत जरूरी है। बाकी जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, एक ग्राउंड में पहले बता चुका हूँ, ग्राउंड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई पब्लिक वगैरह आती जाती ना हो। तो ये बहुत जरूरी जो ट्रिक थी मैंने आपको प्रॉपर बता दी, अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो बताने का तरीका समझ में आया हो तो भाई जाके ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बाकी भाई के चैनल को ना के ना सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर जरूर करना, जिससे कि जो आपके भाई स्टंट सीखने के शौकीन है तो उनको धीरे धीरे करके इजी ट्रिक्स में ये चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी हर चीज़ को धीरे धीरे जैसे भी पूरा मेंटेन होगा पूरा आपको बताते जाएंगे, हर वीडियो का ट्यूटोरियल ना वो प्रॉपर हिंदी में देंगे, जैसे नहीं होगा कि भाई कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, ओके बाय, थैंक यू सो मच।